जो अब तक थे अननोन। टैक्टिक्स अलग, फॉर्मेट्स अलग, थ्रिल अलग, पर स्पिरिट वही एकदम देसी। थैंक्स टू ओलंपिक्स और कुछ हद तक बॉलीवुड, जिन्होंने इंट्रो तो करा दिया, रेसलिंग, बॉक्सिंग, ब्राजीलियन जिजित्सु, मुay thai, किकबॉक्सिंग, ताइक्वांडो, कराटे, जूडो, फॉर्म्स हजार, पर प्लेटफॉर्म एक। फाइटर्स वही, पर टैक्टिक्स अनेक। आज के कंटेंडर्स, कल के स्टार, स्वागत नहीं करोगे इंडिया के सबसे बड़े एमएमए प्लेटफॉर्म का, MTV Super Fight League contenders. This is where you're going to make your name. We are putting this show on for all of you. This can change your life, but it's going to depend on each and every single one of you. So when you go in that ring, this is your one chance. You give it everything that you got. मैं दिल्ली के एक छोटे शहर गुज्जर चौक आयनगर से हूँ। I'm from Afghanistan. मैं मुंबई से आया हुआ हूँ। I basically belong to Bahadurgarh, right? It's in Haryana. I'm from Nangpur, Tribhuwan District Meghalaya. I'm from Rudrapur. It's a small town in Uttarakhand. मुझे शुरू से पसंद है। मैं बचपन से वुशु खेलती हूँ। Grappling में South Asian gold medalist हूँ। I was a kickboxer. Capoeira is like very unpredictable. Pretty easy to kick the guy's ass. पहले जैसे गांव में wrestling वगैरह किया करता बचपन में। Then I got to know about wrestling. Then I thought that no man, I have to do MMA. सर उम्मीद तो बहुत है सर, हाई लेवल पे जाने की, नाम कमाने की है। And let me tell you, SFL is a very good platform to achieve something like fame. When you got the fame, you got the money. हम 7 अलग स्टेट्स में एक हफ्ते के अंदर कुछ ऐसे फाइटर्स ढूंढ कर आए हैं जो MMA स्टार्स बनने की पोटेंशियल रखते हैं। इससे हाई स्टैंडर्ड सेट होते हैं और हर सिटी और उसके रिजल्ट्स ने सरप्राइज कर दिया। From different forms of art, from jiu-jitsu to karate to wrestling, MMA official talent hunt है for contenders to promote this as the ultimate fight league. Contenders सबसे important हिस्सा है। SFL contenders को nurture करके उन्हें star fighters में convert करना इस league का motive है। अभी आप किसी को knockout मार दो तो मैं आपको जेल नहीं भेजूंगा, बट मैं बोल रहा हूँ कि वो गोल नहीं है हमारा। लास्ट ईयर बहुत से लोग आए थे, सर मैंने उसको ज़्यादा पंचेस मारा लेकिन वो मेरे को नीचे ले जाता गया, लेकिन मैंने तो पंच ज़्यादा मारे, मुझे क्यों नहीं सिलेक्ट किया? सिलेक्शन क्राइटेरिया ओवरऑल एमएमए गेम है। यू शुड हैव प्रिपेयर्ड फॉर अ प्रो फाइट, यू शुड बी कमिंग टू फाइट एज अ प्रो, यू शुड बी, इफ़ यू वांट टू बी फीचर्ड ऑन टेलीविजन, यू शुड बी रेडी फॉर 5 राउंड। यू शुड नॉट से कि सर आई कैन ओनली फाइट 3 मिनट्स, देन डोर इज ओपन। दिल्ली वाज देयर वाज अ इंटरेस्टिंग वन। डेलीइट्स को पावर से प्यार है और उन्होंने वो बखूबी रिंग में दिखाया। नॉर्थ इंडिया में हमेशा हमें बहुत टैलेंट मिलता है। They love their bodies, वो brashness और intensity, सब कुछ in your face है। And trust me, face बचाना काफी मुश्किल है। Girl power was ruling the ring. काफी capacity में participation था उनका। Clean grabs, unique techniques और काफी amazing shots देखे हमने। एक लड़का जो पर्टिकुलरली स्टैंड आउट कर रहा था पूरी टीम के लिए वाज अंगद बिच, काफी टेक्निकल, और उन्होंने सबमिशन कराया अपने अपोनेंट का थ्रू ट्विस्टर सबमिशन, जो कि काफी रेयर और अनयूजुअल टेक्निकल मूव है इन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। हमने ब्राजीलियन जिजित्सु के कुछ मूव्स भी देखे। ओवरऑल काफी इंप्रेसिव टैलेंट था। अनदर स्टैंड आउट थी शिखा, जिसने अपोनेंट को छोड़ा ही नहीं, इन रेज पंचेस पे पंचेस मारती रही। Till her opponent broke down completely. Delhi trial से 17 fighters select हुए, सब एक दूसरे से अलग fighters, different weight categories में. So Delhi turned out to be quite a stunner, as expected. Bangalore was our next stop on the tour, and if I was to be honest, it felt like a bit of an anti-climax. You know, we had just come from Delhi, where it was like 300-400 people strong in the gym. To come into this second floor gym where there was just under 40 people. वो लड़के थे जो बैंगलोर ट्रायल्स में आए थे, त्रिभुवन और शंकर, जो अलग बैकग्राउंड्स को बिलोंग करते हैं। एमएमए सर्किट में काफी एक्टिव हैं ये दोनों और अपने डिविजन्स के चैंपियन भी रह चुके हैं। शंकर रिंग में बहुत प्रोफेशनल और रिलैक्स थे, भले ही उनके अपोनेंट ने इनिशियली इन्फ्लुएंस बढ़ाए रखा, बट ही वॉज कंपोज्ड। शंकर managed to close the distance और फिर शंकर ने अपने अपोनेंट पर ट्रांजिशन किया और वहां से अपोनेंट का गेम ओवर। त्रिभुवन की फाइट भी इक्वली इंटरेस्टिंग थी क्योंकि वो हमारे सुपर बॉक्सिंग लीग के फाइटर संदीप से मुकाबला कर रहे थे। संदीप ने एक दो बार उसको नॉकआउट भी किया, पर त्रिभुवन जल्द से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता था। और जब हम मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स वाले राउंड पर आए तो त्रिभुवन ने संदीप को पूरी तरह डोमिनेट किया। संदीप ने पंचेस ट्राई की, पर यहाँ त्रिभुवन ने अपनी यंग फाइटर वाली इंटेलिजेंस दिखाई। पूरी टीम को लगा कि ये लड़का स्पेशल है। Third stop on the tour was at Kochi, and guys were absolutely excited to get to Kochi. You know, beautiful Kerala. Kochi, काफी respectable turnout था कोची से। कुछ बहुत ही amazing fighters थे, जिनका fantastic record था amateur circuit में। श्रीदेव काफी explosive fighter था। जैसे ही रिंग में आया, he started knocking out opponents. In fact, हमने इस बार की कंटेंडर सीरीज का सबसे अनोखा नॉकआउट देखा। रंजीत काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। ये एक नार्कोटिक्स ऑफिसर है, जिससे क्रिमिनल पंगा लेने के पहले सोचेंगे। शुरुआत में बहुत कंफर्टेबल और कंपोज, और टेक डाउन की तरफ ट्रांजिशन बहुत स्मूथली किया। ओपोनेंट को पूरी तरह डोमिनेट किया और बहुत क्विक सबमिशन से राउंड कंप्लीट किए। कोई डाउट नहीं था कि ये दोनों लड़के श्रीदेव और रंजीत अगले राउंड में प्रोग्रेस करेंगे। So Kolkata was completely different to any of the other trials that we had previously done. ये एक प्रोफेशनल मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट था, जिसका मतलब heel hooks, leg locks, elbows सब अलाउड था अंडर द रूल ऑफ यूनिफाइड मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। ये मौका था टू जज द कैपेबिलिटीज इन अ प्रोफेशनल फाइट एट अ मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट। फाइट्स बहुत ही दमदार थी, काफी स्वैग था कोलकाता के फाइटर्स में। बहुत सारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से ये कॉम्बैट स्पोर्ट काफी पॉपुलर हो रहा था। कमाल के फाइटर्स उभर कर आ रहे थे। स्वैग के साथ काफी स्ट्रेंथ वाले फाइटर्स मिले। स्टैंडआउट कंटेंडर्स एक्चुअली मिले गुवाहाटी से, जो था हमारा नेक्स्ट स्टॉप। एसएफएल बहुत ही ज्यादा खुश था टू कम हियर एट गुवाहाटी। हमें पूरा भरोसा था कि गुवाहाटी से काफी बेहतरीन कंटेंडर्स मिलेंगे। फाइट्स के स्टैंडर्ड्स भी बहुत ही अमेजिंग थे। कुछ स्टैंडिंग टेक्निकल नॉकआउट्स, कुछ ब्रूटल नॉकआउट्स और सिग्नेचर सबमिशंस। फाइट्स लोडेड थी टेक्निक और टैलेंट से। ट्रायल्स के अंत में हमने 7 में से 8 फाइटर्स सिलेक्ट किए। Right, we are in this wonderful town and city, the metropolitan city of Mumbai. इस वंडरफुल फैसिलिटी में एसएफएल कंटेंडर्स जर्नी एंड होगी, जो होगा हमारा लास्ट ट्रायल फॉर सीजन 2। मुंबई में काफी टेक्निकल फाइट्स देखने को मिली। हमने कुछ पुराने कंटेंडर्स भी देखे जो फिर से ट्राई करना चाह रहे थे, और वो थे सचिन, स्वप्निल एंड अ यंग लेडी कॉल्ड हिना। अनफॉर्चुनेटली हिना पूरी तरह प्रिपेयर्ड नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें अपनी फाइट में सबमिट करना पड़ा। पर हम सचिन से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए। इस बंदे ने हमारे लिए काफी फाइट्स लड़ी हैं, और हमने देखा कि वो अपनी गेम में काफी इम्प्रूव और इवॉल्व हुए हैं। और ये प्रूफ मिल रहा था जिस हिसाब से वो क्विकली एडवांस कर रहे थे सारे ट्रायल राउंड्स में। सारे ट्रायल्स के बाद हमने 60 फाइटर्स सिलेक्ट किए, जो एडवांस करेंगे नेक्स्ट राउंड में, जो होगा दिल्ली में। इन 60 फाइटर्स को हम होस्ट करेंगे कैपिटल सिटी में, जहां हम सिलेक्ट करेंगे विनर हर वेट डिवीजन में से, जो फाइट करेंगे एसएफएल सीजन 2 में। एमटीवी सुपर फाइट लीग की मैचेस शुरू हो चुकी हैं। हमारे कंटेंडर्स में से कौन टीम्स में शामिल होता है और कौन इस साल लीग का हिस्सा बन पाता है, देखते हैं अगले MTV SFL कंटेंडर के एपिसोड में।